बच्चों, देखो आज हम आपके पास कुछ आकृतियों का कमाल लेकर आए हैं। कक्षा 3 में पाठ 5 में आकृतियों किस प्रकार से आकृतियां ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं लगकर कमाल कर देती हैं। तो कौन कौन सी मुख्य आकृतियां हैं, चलिए पता करते हैं। देखो ये किस विशेष आकृति है, इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आप जानते ही हैं। इस आकृति का नाम क्या है, इसको हम आयत कहते हैं। और ये देखो ये एक ऐसी आकृति है, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। और ये गोल गोलाकार वस्तु है, चूड़ी के आकार की, रोटी के आकार की, गोल कहते हैं इसे। वृत्त वृत्त कहते हैं, ये देखो मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है, वृत्त। सर्कल कहते हैं इसको, यानी कि ये देखो एक आकृति ये है, इसमें 4 भुजाएं बराबर हैं, ये देखो बराबर है चारों, ये देखो बिल्कुल चारों बराबर है ना। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इसे हम वर्ग कहते हैं, यानी कि स्केयर। तो मुख्य रूप से आपके पास 4 आकृतियां आती हैं इस कक्षा में, जिसमें गोला वृत्त कहते हैं जिसको, त्रिकोणीय आकृति जिसमें 3 कोने होते हैं जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि चौकोनीय आकृति। चौकोनी कौन कौन सी, चौकोनी में 2 एक आयत और 1 वर्ग। आयत और वर्ग में क्या अंतर है, ये देखो इनमें कुछ अंतर दिखा देते हैं आपको। इसमें ये भुजा ये अलग अलग है दोनों, इसमें 4 बराबर हैं, इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि इस आकृति में 4 भुजाएं बराबर होती हैं। चलो देखते हैं, ये आपको पहचान होगी इनकी, एक बार दोबारा कर लेते हैं। इस प्रकार की आकृति को हम आयत कहते हैं, इस प्रकार की आकृति जिसमें 4 भुजाएं बराबर हों वर्ग यानी कि स्केयर कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। और ये देखो ये कैसी है, इसमें त्रिकोणे हैं, इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। किसी प्रकार के देखो ये भी त्रिभुज है, 3 कोने होने चाहिए हमारे पास, ये देखो 1 2 3 कोने। और ये एक आकृति है रोटी के आकार की, जहाँ से चले हम गोल गोल घूमते हुए वापस वहीं पे आ गए, जैसे आपकी मम्मी की चूड़ी होती है कंगन यानी कि रोटी होती है, इसे हम वृत्त कहते हैं और इन्हें सर्कल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपने बताना है कितने वर्ग आयत वृत्त और त्रिभुज है। चलो देखते हैं, बीच में क्या है बच्चों, एक गोला है तो वृत्त हो गया, वृत्त तो इसमें एक ही है। त्रिभुज कितनी है, त्रिभुज इसमें त्रिकोणीय वाली कोई नहीं है, त्रिभुज 0। और आयत देखो इसमें, ये आयत देखो इस आकार की जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, 1 2 3 4 5 6 7, आयत कितने बच्चे इसमें 7। और वर्ग ढूंढो जो बॉक्स से बना हुआ इस आकार के, जिसमें 4 बराबर है, यहाँ से लगते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हमारे वर्ग। चलो इस आकृति में देखते हैं कितनी त्रिभुज है त्रिकोणे वाले, देखो एक तो यहाँ से ये त्रिभुज, एक ही छोटी भी त्रिभुज है ना, यहाँ से ये 2, एक ही यहाँ से 3, एक ही यहाँ से छोटी 4, और एक ही यहाँ से पूरी बड़ी 5। तो इसमें कितनी त्रिभुज है, त्रिभुज है इसमें 5। चलो अब इस आकृति में देखते हैं, ये दोनों एक ही आकृति हैं, इन्हें देखते हैं गोले कितने, एक ये एक ये 2, तो वृत्त कितने हुए यहाँ पे 2। और आयत देखो कितनी आयत, आयत कहाँ कहाँ एक तेरी यहाँ पे पूरी, एक इसमें बड़ी आयत बनी हुई है और एक छोटी आयत, तो आयत कितनी है इसमें, आयत आयत बराबर है 3। वर्ग कितने वर्ग बच्चों इसमें, एक ये 2। और त्रिभुज कितनी है, त्रिभुज 1 है, ये 1 त्रिभुज है। इस प्रकार से आपकी पुस्तक में भी दी हुई आकृतियाँ, अब इसमें देखो चित्र बना हुआ है, इसमें ढूंढो पहले गोले ढूंढते हैं वृत्त, 1 2 और एक ये 3 गोले, तो वृत्त कितने हो गए इसमें 3। त्रिभुज देखो कितनी है, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, त्रिभुज कितने बच्चों इसमें 4। अब वर्ग देखो आयत और वर्ग, आयत देखो एक एरी 4 चौकोनी है, तो ये सारी आयत है, आयत बराबर है 4, और वर्ग इसमें कोई है नहीं। आपकी पुस्तक में भी गणित का जादू पुस्तक में पेज नंबर 61 पर यह आकृति दी गई है। इस आकृति में आप त्रिकोण यानी कि त्रिभुज आकार, आयत यानी कि नीलाकार की आकृति ढूंढने और उसमें रंग भरना है अपने सुंदर सा, ये ढूंढ के लिखना है आपने कितने त्रिकोणे हैं यानी कि त्रिभुज कितनी है, आयत कितनी है, वृत्त कितने हैं, गोल ये गोल यानी कि वृत्त कितने हैं, और ये वर्ग कितने हैं, इसमें ढूंढना है आपने, खुद करना है एक्टिविटी खुद करें।